Hello everyone, this video is about Geoffrey Chaucer and his life and major works. I hope it will be helpful in your preparation of long answers, short answer, MCQs and your assignments. Chaucer was born in 1340 and died in 1400. And he was a remarkable figure of 14th century and was born in London. He completed his schooling to St. Paul's Almonry, London. Chaucer's father, John Chaucer, was a wine trader in London and had connection with the royal court. Chaucer एक remarkable figure थे 14th century के, और उनका जो schooling है वो St. Paul's Almonry London से हुआ. उनके father John Chaucer एक wine trader थे London में ही, और उनके father का royal court के साथ एक अच्छा connection था. After schooling he became an attendant of Duchess of Clarence, wife of John of Gaunt. John of Gaunt, the third son of Edward III, and was Chaucer's most faithful patron and protector. जब Chaucer का education पूरा हो जाता है तो Chaucer एक attendant बनते हैं Duchess of Clarence के, और Duchess of Clarence wife है John of Gaunt की. John of Gaunt third son थे Edward III के, और John of Gaunt Chaucer के most faithful patron और protector बनते हैं. In 1359, Chaucer was in France with Edward III army and is caught there. The King Edward III pays ransom to set Chaucer free from France. 1359 में Chaucer France में थे Edward III के army के साथ, और वहीं उनको पकड़ लिया जाता है. तो King Edward III ransom देते हैं ताकि Chaucer को free कर सके France से. In 1366, Chaucer was married to Philippa. She was also an attendant in the court. 1366 में Chaucer का शादी होता है Philippa से, जो कि attendant रहती है उस समय court में ही. अभी हम लोग देखेंगे major figures of 14th century, जिसमें John Wycliffe आते हैं. ये एक English philosopher थे जिन्होंने अपना जो point of view था वो Roman Catholic Church के against, जो भी इनका point of view था वो रखे. उस समय Roman Catholic Church में जो जो इविल्स वगैरह था, जो इल्स था, उसके खिलाफ ही अपना आवाज़ उठाएं. जो सेकंड फिगर है वो विलियम लैंगलैन है, और ये एक मेजर राइटर है 14th सेंचुरी के, और इनका एक फेमस वर्क पायस प्लोमैन जो कि एलोगरी है, और ये रिलीजियस थीम पे बेस्ड है. और जो थर्ड मेजर फिगर है 14th सेंचुरी के वो जॉफ्री चौसर है. चौसर्स वर्क्स इन थ्री ग्रुप. चौसर के पूरे वर्क जो भी वो लिखे उनको तीन कैटेगरी में डाला जा सकता है. पहला द फ्रेंच ग्रुप, दूसरा द इटालियन ग्रुप, और तीसरा द इंग्लिश ग्रुप. फ्रेंच ग्रुप में चौसर के वैसे वर्क आते हैं जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस थे. वैसे वर्क, वैसे राइटिंग्स जो फ्रेंच के इन्फ्लुएंस में आते हैं, जैसे द बुक ऑफ द डचेस, द रोमाउंट ऑफ द रोज एक्सेट्रा. द इटालियन ग्रुप जो इस ग्रुप का जो पीरियड था चौसर जिस पीरियड में लिखे, वो 1372 से लेके 86 के बीच का जो पीरियड है चौसर के करियर का, उसमें उन्होंने उन पे इटालियन इन्फ्लुएंसेस रहा, और ख़ास करके दांते और बोकासियो का. और इस पीरियड में जब वो इटालियन इन्फ्लुएंस में थे तब उनका जो मेजर वर्क है जिसमें द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रायल्स एंड क्रिसिडा आता है. वहीं जो लास्ट ग्रुप है जो कि इंग्लिश ग्रुप है, जो 1386 से लेके उनके डेथ तक 1400 तक रहा, तो इस पीरियड में चौसर पूरे मैच्योरिटी के साथ लिखे, और उनका जो सबसे फेमस वर्क है द कंटेंपरेरी टेल्स वो अपीयर्ड होता है, जो कि 1386 या 87 कभी कभी इसका अपीयरेंस का टाइम है, उसके पब्लिकेशन का टाइम माना जाता है. द कैंटरबरी टेल्स ये मेजर वर्क है इंग्लिश लिटरेचर में. इट इज़ कंसिडर्ड चौसर्स मास्टर पीस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलिब्रेटेड वर्क ऑफ द मेडिवल लिटरेचर विच अपीयर्ड ऑलमोस्ट इन 1386 और 87. चौसर का ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लिटरेचर में, और ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है मेडिवल लिटरेचर का, जो कि 1386 या 87 में अपीयर हुआ. द कैंटरबरी टेल्स जो ये बुक है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 24 टेल्स. इसमें टोटल 24 टेल्स का कलेक्शन है ऑफ ग्रुप ऑफ ऑलमोस्ट 29 पिलग्रिम्स हु मीट वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम टैबार्ड इन साउथवॉक टू द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बैकेट इन कैंटरबरी टेल्स.
सो इसके पीछे एक स्टोरी है कि 29 पिलग्रिम्स जो सारे एक जगह इकट्ठा होते हैं टवाड इन में साउथवॉक में, ताकि वो लोग संत थॉमस बैकेट जो कि कैंटरबरी है वहाँ वो लोग जा रहे हैं, एक टाइप का एक रिलीजियस जर्नी है, तो वहाँ जाने के लिए ये लोग सारे टवाड इन में इकट्ठा होते हैं। इट इज़ सेड दैट टू किल द टाइम और द बुदर्निश ऑफ द जर्नी द होस्ट हैरी बेली ऑफ द टवाड इन सजेस्टेड ऑल ऑफ द पिलग्रिम्स टू टेल टू ए स्टोरी ऑन देयर आउटवर्ड जर्नी एंड टू ए स्टोरी ऑन देयर इनवर्ड जर्नी। ऐसा माना जाता है कि जब ये लोग टवाड इन में रुके थे उसी समय जो होस्ट थे वहाँ के हैरी बेली वो सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना जाने के समय हर पिलग्रिम दो स्टोरी कहेगा और फिर आने के समय भी दो स्टोरी कहेगा, ताकि जो जर्नी का बुदरनेस है या किसी टाइप से जो बोरिंग टाइम है उसको किल किया जा सके। ऑल ऑफ द पिलग्रिम्स आर मेंशनड इन द प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। द पर्पस ऑफ द प्रोलॉग इज टू गिव रीडर्स अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द कैरेक्टर्स एंड देयर प्रेजेंस ऑफ एंड वॉक्स। सो इसमें हम लोग जानते हैं कैंटरबरी टेल्स में टोटल 29 पिलग्रिम्स थे। सो जब आप कैंटरबरी टेल्स को पढ़ेंगे तो उससे पहले प्रोलॉग आता है और उसमें सारे जो भी पिलग्रिम्स थे उनके बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है, जो भी उस रिलीजियस जर्नी पे थे उन सब के बारे में इसमें आपको डिस्कशन मिलेगा। वेन इन अप्रैल द स्वीट शावर फॉल एंड पास द ड्रॉट ऑफ मार्च टू द रूट एंड ऑल, ये ओपनिंग लाइन है कैंटरबरी टेल्स का, द प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स का। मेजर कैरेक्टर्स एंड पिलग्रिम्स इन द प्रोलॉग आर चौसर हिमसेल्फ, द नाइट, द प्रायरेस, द नन, द वाइफ ऑफ बाथ, द पार्टनर, द समनर, द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, द फ्रायर एंड द फिजिशियन एक्सेट्रा। ये सारे मेजर पिलग्रिम्स या कैरेक्टर्स है उस प्रोलॉग में, जिसमें चौसर जो राइटर है कैंटरबरी टेल्स के वो भी है इसमें, नाइट है, प्रायरेस है, नन है, वाइफ ऑफ बाथ है, पार्टनर है, समनर है, क्लर्क है, फ्रायर है, फिजिशियन, ये सब मेजर कैरेक्टर है और मेजर पिलग्रिम्स कह सकते हैं इनको। सो मेजर टेल्स इन द कैंटरबरी टेल्स आर द नाइट टेल्स, द मिलर्स टेल्स, जो मेजर टेल है इसमें जिस टाइप से सब लोग इकट्ठा हुए थे और सबको बोला गया था कि वो लोग जाने के समय दो स्टोरी कहेंगे और फिर आने के समय, तो उसी दरमियान जो मेजर स्टोरीज कहा गया उस रिलीजियस जर्नी में, उसमें जो फेमस स्टोरी है उसमें द नाइट्स टेल आता है, द मिलर्स टेल आता है, चौसर भी उसमें जो टेल कहते हैं उनके टेल का नाम है टेल ऑफ मेलीवी, द प्रायरेस टेल, द नन प्रिस्ट टेल्स, द वाइफ ऑफ बाथ टेल्स, ये सब मेजर टेल है उस कैंटरबरी टेल्स में। चौसर्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर, अभी हम लोग देखेंगे कि चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, तो इनका एक अपना कंट्रीब्यूशन था इंग्लिश लिटरेचर में। तो पहला कंट्रीब्यूशन है वो ईस्ट मिडलैंड, चौसर चूज द ईस्ट मिडलैंड विच वॉज द स्पीच ऑफ द कॉमन पीपल एंड एकेडमिक्स फॉर हिज राइटिंग्स, इट वॉज ईस्ट मिडलैंड स्पीच विच लेटर बिकेम इंग्लिश लैंग्वेज। उस समय बहुत सारा जो लोकल लैंग्वेज था वो सब बोला जाता था, तरह तरह के लैंग्वेज थे, सो ईस्ट मिडलैंड उसी में से एक था, तो चौसर ईस्ट मिडलैंड लैंग्वेज को चुनते हैं ताकि, क्योंकि वो उस समय जो ईस्ट मिडलैंड लैंग्वेज है वो कॉमन लोगों का लैंग्वेज था और ख़ास करके इस जो एकेडमिक्स वालों के लिए ये लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, तो ईस्ट मिडलैंड लैंग्वेज को ये अपने राइटिंग्स के लिए चुनते हैं और बाद में यही ईस्ट मिडलैंड लैंग्वेज आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो जाता है। दूसरा जो कंट्रीब्यूशन है वो हीरोइक कपलेट का है, सो यूज़ ऑफ हीरोइक कपलेट वाज पायनियर्ड बाय जाफरी चौसर। जो हीरोइक कपलेट है उस एक टाइप का ये वर्स फॉर्म है जिसको पायनियर किया था जाफरी चौसर ने। डिका सिलेबिक, चौसर्स बाउट डिका सिलेबिक मेट्रिकल डिवाइस फ्रॉम फ्रांस एंड यूज्ड इन हिज स्टेंजाइक एंड कपलेट फॉर्म ऑफ राइटिंग्स। डिका सिलेबिक को भी चौसर इंग्लिश लिटरेचर में लाए ताकि वो पोइट्री को कंपोज कर सके, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो राइम और द राइम रॉयल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज चौसरियन स्टेंजा। तो जो चौसर अपने पोइट्री के लिए जिस स्टेंजा का यूज़ करते थे उसका नाम है द राइम और राइम रॉयल, और बाद में इसी को चौसरियन स्टेंजा कहा गया,
इट कंसिस्ट ऑफ सेवन लाइन, जिसमें सात लाइन होता है सिस्टेंजा में, यूजुअली इन आयम्बिक पेंटामीटर, और ये आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं। द राइम स्कीम इज ए बी ए बी बी सी सी। जो सिस्टेंजा का राइम स्कीम है वो ए बी ए बी बी सी सी है। लेट्स कम टू द कंक्लूजन। चौसर डाइड इन 1400 एंड वॉज ब्यूरीड इन वेस्टमिंस्टर एबे, विच इज ऑल्सो नोन एज पोएट्स कॉर्नर। चौसर का जो डेथ होता है वो 1400 में होता है, उनके बाद उनको वेस्टमिंस्टर एबे में, जिसको हम लोग पोएट्स कॉर्नर भी कहते हैं, वहाँ पे उनको दफन कर दिया जाता है। जॉन ड्राइडन इंटाइल चौसर एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। जॉन ड्राइडन चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री सबसे पहले बोले। इट इज ऑल्सो सेड दैट विक्लिफ वॉज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। और विक्लिफ को द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है, वहीं चौसर को द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनासा कहा जाता है। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर ऑफ द मेडिवल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और चौसर एक इन्फ्लुएंशियल फिगर थे मेडिवल पीरियड में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के। सो दिस वॉज द वीडियो रिगार्डिंग चौसर एंड हिज वर्क्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू।